नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की दिनभर की फटाफट खबरों पर। पंतनगर में हुआ जसपुर काशीपुर विधानसभा के पीठासीन व मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण। जनपद पुलिस ने अलग अलग बॉर्डर चेकिंग के दौरान जब्त 40 लाख रुपए की धनराशि। रुद्रपुर में मनाया गया भाजपा का 44 व स्थापना दिवस। शॉर्ट सर्किट के चलते गारमेंट्स और फुटवेयर की दुकान में लगी आग। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चिन्हित किए गए क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कसा तंज। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मनाया गया भाजपा का 45वां स्थापना दिवस। कॉर्बेट पार्क के कालागढ़ रेंज में उपचार के दौरान हाथी के बच्चे ने तोड़ा दम। महिला वन दरोगा से छेड़छाड़ के आरोपी ढेला क्षेत्र के रेंजर हुए निलंबित। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के फरार चल रहे दो आरोपियों को उनके 3 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनावी कार्यालयों का किया शुभारंभ। जिला निर्वाचन विभाग की कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी पहुंची दूसरे चरण पर। 85 वर्ष से ऊपर के और दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से 2 चरणों में कर पाएंगे मतदान। देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ वन विभाग ने की विधिक कार्यवाही। भाजपा ने धूमधाम से मनाया 45वां स्थापना दिवस। सांसद अजय टमटा रहे मौजूद। धौलछीना पुलिस ने 5 पेटी अवैध देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा के एंट्री मार्गो पर चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के निर्बाध सुचारू संपादन हेतु जसपुर काशीपुर विधानसभा के पीठासीन व मतदान अधिकारियों को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों द्वारा 2 पालियों में सैद्धांतिक एवं ईवीएम का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस 2 पालियों में कुल 1730 पीठासीन मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव को लेकर के तैयारियां जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप हर स्टेप की तैयारी हमारी कुछ हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। इस समय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है जो आज से शुरू हुआ है और 9 तारीख तक चलेगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण पंतनगर यूनिवर्सिटी में दिलाया जा रहा है। सुबह में वहीं था। इसके अलावा मतदाताओं की जागरूकता की जहाँ तक बात है, उसके लिए विभिन्न फोरम पर, विभिन्न प्रतिष्ठान, चाहे वो सरकारी हों, प्राइवेट हों, सभी जिम्मेदार लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्लस हमारे अधिकारी टीम बनाकर अपना प्लान बना करके डेली लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, तमाम तरह के दौड़ प्रतियोगिताएँ भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री के एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर जो उनको कॉलेज में एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने अलग अलग बॉर्डर्स पर चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए की धनराशि को कब्जे में लिया है। लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि चुनाव के दृष्टिकोण से जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से लगभग 40 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिनका कोई पुख्ता दस्तावेज न मिलने पर धनराशि को जब्त किया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तुमने निकाला। नमस्कार, अभी आदर्श आचार संहिता लागू है 2024 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। विगत 2 दिन में हमारे टीम्स द्वारा आईटीआई और काशीपुर थाना क्षेत्र में टोटल जो है लगभग 40 लाख का कैश पकड़ा है। तो पहला तो एफएसटी द्वारा आईटीआई थाना क्षेत्र में 33 लाख कैश बरामद हुआ है। इसी प्रकार कल जो है लोहिया पुल बॉर्डर पर हमारे एसएसटी ने 6 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। ये दोनों जो है एमसीसी के ईसीआई का नियमानुसार जो है जो वर्जित है, कैश लिमिट से ऊपर है, अतः नियमानुसार उनको इंटरसेप्ट की कैटेगरी में डाल के उनको हमने 6 लाख है उसको जब्त कर लिया गया है। 33 लाख को इनकम टैक्स के लिए फर्दर ऑडिट के लिए दे दिया गया है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, 2 लाख से ऊपर का कोई भी कैश है तो वो सस्पेक्टेड श्रेणी में आता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। हमारे सारे एसएसटीज एफएसटीज अलर्टेड है, अलर्ट मोड में चल रहा है कि कोई भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार कैश मूवमेंट होती है तो हम उसको ट्रेस आउट करके इंटरसेप्ट करेंगे। थैंक यू।
भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर आज रुद्रपुर में 10 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकतंत्र सेनानियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नींव बताया और कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और कुर्बानी के कारण आज भाजपा विश्व की नंबर वन पार्टी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी तक तो जो अब की बार 400 पार का नारा जनता ने दिया है वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। एक लहर बनी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के प्रति। चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बेलचा लगाने वाला हो, रिक्शा तांगे वाला हो, घरों में काम करने वाली मेरी बहनें हो, अगाध श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, वो दिखाई भी दे रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से भारत की सेवा करने के लिए भेजेंगे। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिमला बहादुर में शॉर्ट सर्किट के चलते गारमेंट्स और फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान आग के चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फायर टैंकर के माध्यम से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं 10:50 पर सूचना MDT के माध्यम से मिली थी, 112 के माध्यम से, और हमने तुरंत एक गाड़ी वहाँ रवाना कर दी थी, एक फायर टेंडर बड़ा वाला, और आग को बुझाने में लगभग 1.5 घंटा हमारा लगाया है। वहाँ पूर्ण मशक्क़त के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। लगभग इसमें 5-7 लाख का नुकसान जो है मकान जो है स्वामी द्वारा बताया जा रहा है। अब ये आगे जांच की जाएगी इसकी कि आग किस कारणों से लगी है और कितना नुकसान है। आगामी 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार देश भर में क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तराखंड में कुल 11,729 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने 1,365 क्रिटिकल चिन्हित किए हैं, जिनमें हरिद्वार में सबसे ज्यादा 344, देहरादून में 278 और उधम सिंह नगर में 158 क्रिटिकल बूथ हैं, जबकि प्रदेश के 800 वल्नरेबल बूथ में देहरादून में सबसे ज्यादा 243, उधम सिंह नगर में 229 और नैनीताल में 201 बूथ हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उसके पश्चात जो है वहाँ पे पहला क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग दो श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहां पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो या फिर वहाँ पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक यह है कि वहां पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहां पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज़्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। और जो ASD श्रेणी होती है, एबसेंटी, शिफ्टेड और डेड, अगर इन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति अगर वोटिंग के लिए आगे आता है उस मतदान के दिवस पर तो उनकी संख्या के आधार पर भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे राज्य में क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। हमारे पूरे राज्य में 1,365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। CM धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा है कि प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त हो गई है और BJP काफी एक्टिव है।
उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरीश रावत काफी अनुभवी नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का आज के कार्यक्रम, हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और उन्होंने स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अग्रवाल जी के द्वारा आज मंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने जो भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ रेंज में स्थित हाथीशाला में लंबे समय से बीमार चल रहे मादा हाथी के बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हाथी के बच्चे की उम्र 23 माह 5 दिन बताई जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मादा हाथी के बच्चे का लंबे समय से कालागढ़ हाथीशाला में उपचार डॉक्टर दुष्यंत शर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा था। काफी प्रयत्न के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित नियमानुसार हाथी के बच्चे का शव विच्छेद करवाया गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लगभग 2 साल की एक हाथी थी, काफ एलिफेंट थी, जो कालागढ़ टाइगर कालागढ़ हमारे एलिफेंट कैंप में स्थित थी। उसका लगभग 4-5 महीने से उसका इलाज चल रही थी, क्योंकि उसका चिकित्सा चल रही थी, क्योंकि उसका हेल्थ ठीक तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और लास्ट नाइट उसका हेल्थ और डिटेरिएट हुआ और उसके साथ ही उसका मौत हुआ। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में कार्यरत रेंज अधिकारी द्वारा महिला वन दरोगा से छेड़छाड़ के आरोप में रेंज अधिकारी को आज वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 29th को हमको एक हमारे फॉरेस्टर से एक ये मिला था, कंप्लेंट मिला था कि उनके अभद्रता से काम कार्रवाई हुई है उनके साथ। तो उसको देखते हुए हमने ICC कमेटी गठित किया था और जब जांच चली रही है और प्रथम दृष्टि देखते हुए हॉफसर के आदेश पे उनको निलंबित किया गया है और उनको अभी कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच कर दिया गया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गैंग बनाकर लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने व आम जनता में दहशत व आतंक का माहौल पैदा करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 2 फरार आरोपियों को उनके 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध तमंचे एवं 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाकर कुछ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 5ों के कब्जे से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। ये लोग अलग अलग मामलों में थाना रामनगर से वांछित थे। 2 लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और हाल ही में जो 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसमें चाकूबारी और अन्य हथियारों के साथ झगड़ा हुआ था, उसमें वांछित अभियुक्त हैं, सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सत्ता के इस संग्राम में हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से जनता के बीच जाकर प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने दमोह डूमा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रकाश जोशी ने राजपुरा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस चुका है। क्षेत्रीय जनता जागरूक हो चुकी है।
जो भी समय है उस समय हमारे सांसद की जो नकारापन है, निष्क्रियता थी, निष्फलता थी, उसको उजागर करने के लिए काफी है। जनता जवाब देना चाहती है, बदलाव चाहती है और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हमारे सांसद की जो नकारापन है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। अपनी सांसद निधि का सांसद 40% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। अग्निवीर योजना उनके मंत्री रहते हुए आई, ये तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर स्थिति होती जा रही है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाल होती जा रही है, हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे और एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो अपने नाम से वोट कैसे मांग सकते हैं, तो स्वाभाविक है दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे। इसीलिए क्षेत्रीय जनता उनसे पूछ रही है कि आप एक काम ऐसा बता दो जिसकी वजह से आप अपने काम से वोट मांगे। कांग्रेस का जमीन का कार्यकर्ता ही कांग्रेस का स्टार प्रचारक है, स्पष्ट है। उनको स्टार प्रचारक बार बार इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि उनके जो सांसद हैं वो नकारा साबित हुए हैं, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए बचाव के लिए अब उनको स्टार प्रचारक उतारने पड़ रहे हैं। पर उन स्टार प्रचारकों का कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहाँ पहुँचे और क्या लोगों से अपील करी है? आपके सामने दमोड़ुआ में है, अभी हम और जो कार्यक्रम है पूरे हल्द्वानी शहर में और कालालुंगी विधानसभा में लगातार कार्यक्रम पर गाजो जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है जहाँ जहाँ भी जिस जगह पर जिस क्षेत्र में पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और जो कार्यकर्ता भी जा रहे हैं हम लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं हमें भी वो बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हम जीत दर्ज करके अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट में भेजेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनताओं के बीच में जा रहे हैं? हम सालाना एक हर साल महिलाओं को 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा, 30,00,000 जो भर्तियां भी होनी है वो पहले ही साल में हमारी सरकार बनते ही भर दी जाएगी उसके बाद, और जो जिनके जो ग्रेजुएट करे हुए बच्चे हैं उनको भी सालाना भत्ता दिया जाएगा। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लोगों को मालिकाना हक की लड़ाई है, बिंदु खत्ता की अपनी लड़ाई है, पानी क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है वो लड़ाई है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो आप कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन के लोग की बात हो, हर तरफ त्राही माम है जनता, शिक्षा, चिकित्सा और जिस भी आप क्षेत्र की आप बात करते हो, तो ये परिवर्तन की लहर है। यहाँ तक कि भाजपा के कई लोग जो हमारे संपर्क में है वो भी ये चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, क्योंकि भाजपा की सरकार में किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में इस बार निकल कर आ रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बेटी को, वो हमारे प्रदेश की बेटी को केंद्र सरकार और अजय भट्ट जी उनके लिए एक बार भी नहीं बोले अंकिता भंडारी मुद्दे पर। तो महिलाओं में आक्रोश है महंगाई को लेकर, अंकिता भंडारी को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर इस बार पूरा समर्थन हम देख रहे हैं कि प्रकाश जोशी जी को दिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि भारी मात्रा में महिलाएं बार उनको विजयी बनाएंगी और एक बार इस बार एक नया और एक अच्छा प्रत्याशी हमारे सामने सांसद के रूप में हमें देखने को मिले। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग की कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी दूसरे चरण पर पहुंच गई है। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में 2 विधानसभावार मास्टर ट्रेनिंग कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से, उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवा कर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं
निर्वाचन ड्यूटी पर, तो उनको फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे पोस्टल बैलेट और ईडीसी के ऑप्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज हमारी उन विधानसभाओं में हैं जो लोकसभा नैनीताल के क्षेत्र में पड़ती हैं, वो जनरली ईडीसी को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। वो मतदान के दिन ईवीएम से उसी बूथ से फिर अपना वोट देने के लिए अधिकृत होंगे। और जो ड्यूटीज़ हमारी रामनगर विधानसभा में लगी हुई हैं लेकिन उनका वोट कहीं अन्य लोकसभाओं में है, तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो मतदान कर रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटेशन सेंटर भी, ट्रेनिंग सेंटर पर जो है एस्टैब्लिश किया गया है, वो प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के बीच अब निर्वाचन विभाग ने पोस्टल बैलेट के जरिए 85 वर्ष से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया को 2 चरणों में किए जाने की रूपरेखा तय की है। पहले चरण में 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को यह अभियान चलेगा। इसके पश्चात छूटे हुए मतदाताओं से पोस्टल बैलेट दूसरे चरण में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को लिया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं और AVES और कोविड पॉजिटिव यदि कोई है, तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनको घर जाकर के मतदान करवाए जाने की सुविधा दी जा रही है। 8, 9, 10 प्रथम चरण है जिसमें रूट चार्ट सभी ARO के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है और रूट चार्ट के अनुसार उसकी सूचना पूर्व में प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी दे दी गई है। एक टीम जो है घर घर जाकर के इन मतदाताओं को मदद करेगी, उनका मतदान करवाएगी और इसके पश्चात यदि कोई रह जाता है तो 11, 12, 13 में दूसरा अवसर दिया जाएगा। रोहाघाट के भेड़खान क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को काटने का मामला ठंडा नहीं हुआ है। वहीं इस क्षेत्र में एक बार फिर पर्यावरण के दुश्मनों के द्वारा 15 से 20 देवदार के बहुमूल्य पेड़ों को सुखाने की नियत से कुल्हाड़ी से छील दिया गया है, जिस कारण पर्यावरण प्रेमियों में काफी आक्रोश है। सूचना पर लोहाघाट के राजस्व उपनिरीक्षक राकेश पंगरिया व वनकर्मी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच के साथ वन विभाग के द्वारा इन अज्ञात लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज भाजपा पूरे देश में अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में भी भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मिष्ठान वितरण कर मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मिष्ठान वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद अजय टमटा व कई भाजपा नेता मौजूद रहे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पार्टी के आज के स्थापना दिवस के अवसर में, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यक्रम आज मंडल बूथ और ग्राम पंचायतों तक, पन्ना प्रमुख तक हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उत्साहित है। बड़े गर्मजोशी के साथ आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा और लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है और स्वयं मैं भी इस कार्यक्रम में आज जुटा हुआ हूँ। इसलिए हम सौभाग्यवान हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कारण से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में हमारा एक अपना बड़ा परिवार है और हमारे परिवार के मुखिया के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं एक अभिभावक के रूप में और हमारे प्रदेश के सभी कार्यों को केंद्र के उसको नीचे जमीन तक उतारने का काम हमारे पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। आज के इस स्थापना दिवस में आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं बधाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत धौलछीना पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना धौलछीना क्षेत्र अंतर्गत डूंगरी तिराहे से 120 मीटर डूंगरी की ओर एक व्यक्ति के कब्जे से 5 पेटी में कुल 240 पौवे अवैध देसी शराब गुलाम मार्का बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना धौलछीना में आबकारी अधिनियम के तहत FIR पंजीकृत की है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। SSP अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त, सकुशल संपन्न कराने हेतु दिए गए निर्देशानुसार अल्मोड़ा पुलिस द्वारा निरंतर आपराधिक अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सभी एंट्री मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां प्रकाश में आते ही उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सतर्क नजर रखी जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।